तो राहुल गांधी के बढ़ चढ़कर दिए गए बयान फिर उनकी फजीहत करा सकते हैं। राहुल के कई ऐसे बयान हैं जो झूठे निकले और जिनकी वजह से उन्हें बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसे 5 झूठ आपको दिखाते हैं। पहला झूठ आप देखिए। पहला झूठ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार ही चोर है, ये उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी नहीं की, राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दूसरा झूठ सुनिए, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी को सौदे पर असंतुष्ट दिखाने पर सजा, लेकिन मीडिया के सामने अधिकारी ने किसी प्रकार की सजा से इनकार किया, तो इस पर भी राहुल गांधी की फजीहत हुई। उसके बाद झूठ नंबर 3 आप सुनिए, डील से पूंजीपतियों को फायदा, वायुसेना को नुकसान। ये आरोप तो लगातार राहुल गांधी लगाते रहे हैं। इसका सच क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रक्षा तैयारियों के हित में फैसला, भारतीय वायुसेना इससे खुश है, तो ये भी किरकिरी वाला बयान था राहुल गांधी का। इसके बाद आपको झूठ नंबर 4 बताते हैं, रफाल डील में भ्रष्टाचार हुआ, राहुल गांधी पहले दिन से ही राग अलाप रहे हैं। इसका सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डील पर संदेह करना गलत है, उसकी जरूरत नहीं है। झूठ नंबर 5 ये है कि राहुल ने कहा परिकर ने मुझसे कहा प्रधानमंत्री ने बिना पूछे डील बदली, और परिकर ने कहा कि शिष्टाचार भेंट के लिए मिले थे, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इस बात को साफ किया था मनोहर परिकर ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।